स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। ईएमआई से जुड़ी हुई कुछ बातें, जैसे फ्रॉडेज एक्सपेरिमेंट पे बात करेंगे आज हम लोग, फ्रॉडेज एक्सपेरिमेंट, और साथ में फ्रॉडेज के साथ में एक और लोग थे जोसेफ हेनरी, अच्छा इनके ऊपर कुछ बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले ये मैग्नेट है और ये क्वाइल है, मैग्नेट क्वाइल और यहां गैल्वेनोमीटर या फिर सेंसिटिव एमीटर, ठीक। इतनी सारी बातें। मैग्नेट के नॉर्थ पोल से जो नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस था वो क्वाइल के करीब आने पे इंक्रीजेज होती है, ठीक। तो जो इंक्रीजेज होती है, इंक्रीज जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का होना, इस क्वाइल के अंदर जो कंडक्शन इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उन कंडक्शन इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर एनर्जी और मूवमेंट दोनों ही प्रोवाइड करती है, जिससे इस क्वाइल के अंदर करंट का सेटअप होता है और एनर्जी जो प्रोवाइड करी जाती है वो इंड्यूस्ड ईएमएफ के नाम से जानते हैं उसको, ठीक है। ये एनर्जी और मूवमेंट जो कंडक्शन इलेक्ट्रॉन्स का जो नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होता है उनकी संख्या में इंक्रीज होने से होती है, ठीक। इतनी बात आप ध्यान रखेंगे यहां से। नेक्स्ट, यहां पे इस बात को समझिए, जो नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है इन क्वाइल से जो क्रॉस कर रही है उनकी संख्या बढ़ने के कारण इसके अंदर करंट सेटअप हुआ और यह करंट मैग्नेट को जब क्वाइल के करीब लेके आ रहे हैं और मैग्नेट का नॉर्थ पोल करीब आ रहा है, तो इस कंडीशन में यहां पे जो आपका करंट सेटअप हो रहा है उसमें आप गैल्वेनोमीटर को अगर केयर करेंगे या सेंसिटिव एमीटर को केयर करेंगे तो आपको जो ये दिखेगा डिफ्लेक्शन वो जीरो के राइट में दिखेगा। यहां पे मैग्नेट का जो नॉर्थ पोल है उसको क्वाइल से दूर लेके जा रहे हैं, तो क्वाइल से दूर लेके जाने के कारण जो डिफ्लेक्शन है वो जीरो के लेफ्ट में दिखेगा। तो जीरो के लेफ्ट, यहां पे जीरो के राइट हो रहा है, यहां पे जीरो के लेफ्ट हो रहा है, तो नॉर्थ पोल जब अवे जा रहा है क्वाइल से तो जो डिफ्लेक्शन है वो डिफ्लेक्शन जीरो के लेफ्ट में आपको दिख रहा है, और जब नॉर्थ पोल क्वाइल के करीब आ रहा है तो उस कंडीशन में जो डिफ्लेक्शन है वो जीरो के राइट जा रहा है। यहां पर केयर करें आप, यहां पे मैग्नेट का कोई मूवमेंट नहीं है, बस स्पीड मैग्नेट का जीरो जो रेस्ट में है, जिस वजह से जो नंबर ऑफ फील्ड लाइंस है वो फील्ड लाइंस का चेंजिंग ना हो सका और ना हो सकने के कारण जो इंड्यूस्ड करंट है वो क्या बना, जीरो बना, ठीक। यहां पे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कांस्टेंट, कोई करंट नहीं इंड्यूस्ड बनेगा, यहां पे चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इंड्यूस्ड करंट इस क्वाइल के अंदर सेटअप हो जाएगी, ठीक। और ये जो प्रोसेस है करंट इंड्यूस्ड और ईएमएफ इंड्यूस्ड, इन दोनों को प्रोड्यूस करने का इसको इंडक्शन बोलते हैं, ठीक। इतनी बात ध्यान रखेंगे, चलते हैं नेक्स्ट कहानी के ऊपर। 1830 और 31 इंग्लैंड से माइकल फराडे और यूएस से जोसेफ हेनरी आपको इन एक्सपेरिमेंट तक पहुंचाने का काम किया। फराडे का ऐसा विश्वास था क्योंकि मैग्नेट के चारों ओर जो माध्यम होते हैं उस माध्यम
में जो मैग्नेटिक फील्ड जो मौजूद होती है उसके अंदर कहीं ना कहीं कोई विचित्र घटनाएं घटती है, और उस विचित्र घटनाएं को उन्होंने जो नामकरण किया वो मैग्नेटाइज दिया। इसके परिणाम स्वरूप उस स्थिति में उसके आपने कुछ पिछले लेक्चर में ऐसा देखा था, मैग्नेट का नॉर्थ पोल और ये मैग्नेट का साउथ पोल, यहां से जो नंबर ऑफ फील्ड लाइंस था कुछ निकल के ऐसे आ रहा था, ऐसे आ रहा था। तो यहां पे क्या कर रहा था, ये सरिंग कर रहा था, यहां पे क्या कर रहा था, ये सरिंग कर रहा था, मतलब सिकुड़ रहा था, कॉन्ट्रैक्ट कर रहा था, वो सडन कर रहा था। पर जब आप यहां पे बात करेंगे तो यहां पे हो क्या रहा है, ये स्प्रेड कर रहा है, स्प्रेड कर रहा है ये। तो जो मैग्नेटिक लाइन्स है उनका जो डायरेक्शन है, मतलब जो लाइन्स ऑफ फोर्स होगा उनके डायरेक्शन में ये कॉन्ट्रैक्ट करेगा, और उसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में ये क्या करेगा, स्प्रेड आउट करेगा, परपेंडिकुलर डायरेक्शन में स्प्रेड आउट करेगा। इन बात को ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट, आप इसी चीज को यहां पे ऐसे भी बता सकते हैं कि जो प्रेशर है वो प्रेशर यहां पे होने के कारण इसका मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का स्प्रेड आउट होता है, और इस डायरेक्शन में जो नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है उसके डायरेक्शन में जो टेंशन होती है, उस टेंशन होने के कारण जो नंबर ऑफ फील्ड लाइंस है उनमें आपको कॉन्ट्रैक्ट देखने को मिलेगा, सिकुड़न। ठीक, और ये बातें जो मैंने समझा रखी है और यहां पे लिखा है, और एक बात ध्यान रखना कि क्वाइल और मैग्नेट के बीच में कभी मैग्नेट मूव कर रहा था, क्वाइल रुका हुआ था, कभी इसका अपोजिट होगा, कहीं ना कहीं रिलेटिव मोशन आपको यहां पे देखने को नजर आएगा, मतलब एक हर हाल में दूसरे के रिस्पेक्ट में मूव होगा। तो और ऐसा फराडे साहब का एक्सपेरिमेंट जिससे आज इलेक्ट्रिसिटी की दुनिया में एक नई पहचान मिली, और एक बात और ध्यान रख लीजिए यहां से कि जब आप मैग्नेट को क्वाइल के करीब या तो नॉर्थ पोल को लेके आए या तो साउथ पोल को लेके आए, दोनों ही कंडीशन में करंट का सेटअप होगा। अगर नॉर्थ को लेके आए, नॉर्थ को लेके आ रहे हैं तो जो करंट का डायरेक्शन आपको दिख रहा है एंटी क्लॉकवाइज, नॉर्थ को दूर लेके जा रहे हैं क्लॉकवाइज दिख रहा है आपको। जब मैग्नेट का मूवमेंट नहीं है तो वहां पे आपको करंट सेटअप नहीं दिख रहा है, जो नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स है उनका कोई चेंजिंग नहीं हुआ इनके कारण। अगर इसी कंडीशन को रिवर्स कर देंगे साउथ को तो डायरेक्शन क्या होगा, रिवर्स हो जाएगा, है ना। और जो वर्क डन है पर यूनिट चार्ज बोले तो कंडक्शन इलेक्ट्रॉन्स टू प्रोड्यूस दैट करंट, करंट को सेटअप करने में जो वर्क डन है एक चार्ज का वो क्या कहलाता है, इंड्यूस्ड ईएमएफ कहलाता है। इतनी बातों को ध्यान रखें। थैंक यू सो मच।